प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम अपने यूट्यूब चैनल गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा, आप बिना जन्मपत्री के केवल जीवन में घटी घटनाओं के आधार पर बड़ी आसानी से कैसे जान सकते हैं कि आपका मंगल कमजोर है या मजबूत है, आपके जीवन में मंगल कैसे फल कर रहा है, आपको क्या मंगल संबंधित उपाय करने की आवश्यकता है या नहीं है। इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। मंगल हमारे जीवन में हिम्मत के, साहस के, एनर्जी के प्रतिनिधि हैं। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार नर्वसनेस हो जाती है, जवाब देने की क्षमता नहीं है, किसी व्यक्ति का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो समझ लीजिए उसका मंगल बहुत बढ़िया नहीं है। मंगल के विषय में बहुत सारी चर्चा आज की वीडियो में मैं करूंगा, कुछ आश्चर्यजनक तथ्य भी आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और समस्त प्रकार की पूजा पाठ के लिए आप भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष विजिट के लिए, वास्तु विजिट के लिए भी आप हमें अपने शहर में, अपने घर में बुला सकते हैं। तो दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है, विरोध करने की क्षमता नहीं है गलत काम के, कोई व्यक्ति अपने मन को दबा करके रह जाता है, तो समझ लीजिए कि मंगल कमजोर में, मंगल कमजोर है, मंगल का उपाय करने की आवश्यकता है। ब्लड में, खून में बार बार कोई बीमारी आ जाती है, बार बार शरीर में कोई रोग आ जाता है, अनेक उपाय करने के बाद बीमारी पलट पलट करके आ जाती है, तो भी उस व्यक्ति का मंगल कमजोर है। भाई बार बार बेइज्जती करते हैं, आप इज्जत किए जा रहे हैं, आप हाथ जोड़ कर घर खड़े हैं भाइयों के सामने, वो आपकी दुर्गति किए जा रहे हैं, वो आपकी बार बार बेइज्जती करते हैं, आपका हक मार लिया और आपको अपमान का सामना करना पड़ता है भाइयों की तरफ से, सगे भाइयों की तरफ से, चाचा ताऊ के जो भाई बंद होते हैं उनकी तरफ से, तो भी आपका मंगल कमजोर है, क्योंकि मंगल भाइयों का भी प्रतिनिधित्व करता है। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, मंगल से संबंधित उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, ब्लड में बार बार इन्फेक्शन आने पर, शरीर में कमजोरी होने पर और ऊर्जा स्तर डाउन होने पर मंगल संबंधित समस्याएं, युद्ध में बार बार आप किसी के साथ लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, पूरे दिल से आप झगड़ा करते हो, लेकिन बार बार पराजय आपकी होती है, पिट करके आपको बैठना पड़ता है। मुकदमे में आपकी बार बार हार होती है, बार बार आपकी मुकदमे के अंदर पराजय होती है। जब भी कोई तनाव टेंशन की स्थिति होती है तो गाली आपको ही खानी पड़ती है, तो भी आपका मंगल खराब है। मित्रों, आपकी गलती ना होने पर भी आप मुकदमा हार जाते हो या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि गलती आपकी निकलती है, तो भी आपका मंगल खराब है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और वीरता की आपके अंदर कमी है, शौर्य की आपके अंदर कमी है, आपको लगता है कि मैं आपकी अपनी बात को खुल करके दूसरे के सामने नहीं रख पाता, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बढ़िया नहीं है, अपनी बात को अच्छे से आप नहीं रख पाते अपने परिवार के लोगों के सामने या परिवार से बाहर, अपने स्कूल में या इंटरव्यू के टाइम या व्यापार बिजनेस के टाइम, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया है और वो आपको दबा करके रखता है, आप अपने पैसे को भी ढंग से नहीं मांग, पैसा भी आपका और आप अच्छे से अपने पैसे को कह भी नहीं सकते, सुनने भी आपको पड़ती है, तो भी आपका मंगल कमजोर है। तो मित्रों, यदि आपको लगता है कि कुछ इस तरह की चीजें आपके जीवन में घटती हैं, तो आप मंगल का उपाय कीजिए। मंगल के उपायों पर मैं चर्चा करता हूं। मंगल का सबसे सटीक उपाय है कि आपको प्रातःकाल मंगलवार के दिन सूर्य उदय से लेकर के एक घंटे बाद तक गाय को गुड़ खिलाइए। मंगलवार के दिन प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाना, यह है एक तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इससे तत्काल आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक मीठा भोजन, कुछ भी दलिया वलिया कुछ बना करके आप पक्षियों को खिलाइए, तो इससे भी आपको
लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन गुड़ चना और केला से आप बंदरों को भोजन कराइए तो यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। साल में एक बार मंगलवार के दिन अखंड रामायण का पाठ अपने घर में आप कराइए तो यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। मंगल का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों, मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए, और हाँ, यदि आपको भूमि संबंधित कार्यों में असफलता मिलती है, होटल व्यवसाय में आपको असफलता मिलती है, तो भी आपका मंगल खराब है, तो भी आपको मंगल संबंधित उपाय करने चाहिए। तो मंगल के उपाय के लिए आप कच्ची ईंटों की छोटी सी दीवार बनाकर लात मार के उसको गेर दीजिए, मंगलवार के दिन गिरा दीजिए, तो यह भी आपके लिए एक बहुत छोटा सा और बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया उपाय है। मंगल का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र को जप कर भी आप मंगल संबंधित समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यदि आपको लगता है कि होटल व्यवसाय में, भूमि व्यवसाय में आपको दिक्कतें आती हैं, तो आप जो है ओम नमो भगवते रुद्राय फिर इस मंत्र का आप कम से कम 11,000 मंत्र करके या करा करके किसी योगाचार्य से और इसका जप आदि कीजिए तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। कोई भी उपाय जो भी आपको सूट पड़ता हो, आपके बजट में हो, जिस उपाय को भी आप बड़े आराम से बड़े चैन से कर सकते हो, उस उपाय को आप कीजिएगा। दोस्तों, यह थी मंगल से संबंधित छोटी छोटी पर बड़ी काम की बातें। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी पर शानदार।